ईवी हिंदी पर आपका स्वागत है। इंडिया में ज्यादातर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बस यूटिलिटी पर फोकस कर रहा है और हमारे देश में कुछ कंपनीज परफॉर्मेंस के लिए भी मोटरसाइकिल बनाने का तैयारी कर रहा है और गुजरात से होने वाले एको प्लैनेट मोटर्स ऐसे परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल बनाने का एक कंपनी है जो आने वाले दिन में उसका इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने का तैयारी कर रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको ये मोटरसाइकिल के बारे में और उसके परफॉर्मेंस का स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रो। इको प्लैनेट मोटर्स गुजरात का एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाले कंपनी है जिसमें रेसिंग मोटरसाइकिल्स बनाने का बैकग्राउंड से टीम मेंबर्स है। ये इको प्लैनेट मोटर्स का हाई एंड मोटरसाइकिल है EP13 जो परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। अब हम इस EP13 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में बात किया तो इसमें 60 किलोवाट का परमानेंट मैग्नेट DC मोटर होता है जो 5000 RPM तक स्पीड दे सकता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर एयर कूल्ड है और इसका वेट लगभग 11 किलो तक हो सकता है। इस EP13 इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 70 Nm तक टॉर्क देता है जिसके वजह से ये मोटरसाइकिल को 170 km/h तक टॉप स्पीड मिलता है और इसके 0-100 km/h एक्सेलरेशन के लिए लगभग 3.5 सेकेंड्स तक टाइम हो सकता है। अब हम इस EP13 बैटरी पैक के बारे में बात किया तो ये मोटरसाइकिल का बैटरी पैक 13 किलोवाट आवर का एनर्जी को स्टोर कर सकता है और इसका पीक बैटरी आउटपुट 61.6 किलोवाट तक हो सकता है। ये EP13 मोटरसाइकिल बैटरी पैक बनाने के लिए अल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर जैसा मटेरियल्स भी यूज किया गया है और ये बैटरी का वेट लगभग 60 किलो तक हो सकता है। EP13 का ये बैटरी पैक एक रिचार्ज के लिए 250 किलोमीटर तक रेंज दे सकता है और ये बैटरी पैक को रिचार्ज करने के लिए 2-3 घंटे तक टाइम हो सकता है। 1 घंटे के रिचार्ज में ये EP13 80 किलोमीटर तक रेंज दे सकता है। अब हम इस मोटरसाइकिल के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया तो डिजाइन के वजह से ये मोटरसाइकिल का ड्रैग कोएफिशिएंट बस 0.40 तक हो सकता है और ये मोटरसाइकिल का वेट 187 किलो तक हो सकता है। ये मोटरसाइकिल को बहुत हल्का बनाने के लिए एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम का उपयोग किया गया है और ये मोटरसाइकिल का सामने फेयरिंग कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से बनाया गया है। ये मोटरसाइकिल का मोटर और रेयर व्हील कनेक्शन के लिए बेल्ट ड्राइव होता है और ये बेल्ट ड्राइव भी कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से बनाया गया है। इको प्लैनेट मोटर्स कहता है कि ये मोटरसाइकिल IP65 स्टैंडर्ड है और ये इस IP65 ये मोटरसाइकिल का वाटर एंड फायर प्रूफ का रेटिंग है और ये मोटरसाइकिल का बैटरी लाइफ लगभग 300,000 किलोमीटर तक हो सकता है। ये एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है और इसीलिए इको प्लैनेट मोटर्स ये EP13 को एडजस्टेबल सस्पेंशन और ड्यूअल चैनल ABS जैसा फीचर्स भी दिया है और इको प्लैनेट मोटर्स कहता है कि इस मोटरसाइकिल को 10,000 किलोमीटर चलाने के वजह से हम 1.5 मेट्रिक टन्स का कार्बन को सेव कर सकता है। अभी इस मोटरसाइकिल का लॉन्च डेट रिवील नहीं हुआ है और मार्केट में आने के बाद ये मोटरसाइकिल का एक शोरूम प्राइस भी हमें मिलता है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को लाइक करते हैं तो कमेंट्स पर आपका ओपिनियन जरूर मेंशन कीजिए और अगर आपके पास ये मोटरसाइकिल का और एक अल्टरनेटिव है तो उस मोटरसाइकिल को भी कमेंट पर जरूर मेंशन कीजिए और हमारे EV हिंदी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। Go green, go electric.